महोबा में क्राइम ब्रांच सर्विलांस और कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 15 दिन पूर्व सराफा व्यापारी के घर से करीब 1 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। कुलपहाड़ कोतवाली नगर के राजू सोनी बीती 24 जून को अपनी पत्नी के इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सेंधमारी करते हुए राजू सोनी के घर से करीब 1 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। सराफा व्यापारी के घर चोरी की इस बड़ी वारदात से सराफा कारोबारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनप रहा था। व्यापार संगठन ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर चोरी की घटना के खुलासे की मांग की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक आर के गौतम के निर्देश पर 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 15 दिनों के अंदर ही चोरी की इस बड़ी वारदात के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से 4 किलो चांदी, 121 ग्राम सोना और 23,000 नकदी के साथ एक तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह चोर पहले भी कई चोरियां कर चुके हैं। अभी 2 अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। हाँ, ये दिनांक 24 जून की रात्रि को थाना कुलपहाड़ में कस्बा कुलपहाड़ के में जो है एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तत्काल इस घटना को अनावरण करने के लिए लगभग 4 टीमें लगाई गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में इसमें हमारी टीमों को सफलता प्राप्त हुई है और कल जो है इस संबंध में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जो चोरी की घटना से संबंधित जो माल था उसको बरामद किया गया है। इसमें अभी अन्य अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शेष माल की बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। मैम, क्या ये गिरोह बना के काम करती थी या? जी बिल्कुल, ये इनमें से 2 जो मुख्य अभियुक्त हैं ये कोतवाली थाने के अंतर्गत के रहने वाले हैं और इनका पहले से आपराधिक इतिहास है। इन दोनों के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी पहले रजिस्टर किए जा चुके हैं, तो इस प्रकार से ये एक अभ्यस्त अपराधी हैं और ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस संबंध में इस घटना में भी इनकी संलिप्तता पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। सर, अभी कुछ हमें कुछ जानकारी नहीं है, न प्रशासन के द्वारा जानकारी देगी आज की आज प्रेस वार्ता होना है या खुलासा होना है, कहीं कुछ कोई जानकारी नहीं देगी। पुलिस लाइन तो आए हैं, पुलिस लाइन आए हैं, आपको जानकारी कैसे? जानकारी हमें मिली कि हमारे घर के जस्ट बगल में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जब इनकी पुलिस वालों की गाड़ी पहुँची डॉक्टरी जाँच के लिए, वहाँ से हमें जानकारी मिला तो वहाँ भी गए हम लोग और हम लोग यहाँ भी आए हैं। पुलिस की तरफ से हमें तब कोई जानकारी नहीं दी गई। एसपी मैडम से आपकी मुलाकात हुई थी? एसपी मैडम से कल मुलाकात हुई थी। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब जो खुलासा होगा तो आपको बुलाया जाएगा, प्रेस वार्ता की जाएगी और पूरा उसमें आपका माल दिखाया जाएगा। ना है तो अभी मुलाकात हुई मैडम से आपकी? नहीं, हमें कोई मुलाकात। महोबा से मामी खान की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टेक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri।